हैं, मौसम खराब हो चुका है। और पदम देन सिंकुला इज द फर्स्ट टाइम हियर। यस, अभी शाम में कुछ लोग हो रहे हैं तो उनसे पूछते हैं। 200 ऐसा रोड है 200 किलोमीटर तक। अच्छा, नाले पे दो रास्ता को नीचे वाला रास्ता जाना है ना, और ना ये वाला रास्ता वो लोग आके पहुंच से वापस से पार हो चुका है यार। पहुंच चुका है चांगला पास में, और चांगला पास में हो रही है तकड़ी वाली स्नोफॉल। मेरे को बहुत ही डर लग रहा है। और यहाँ के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। अभी सुबह 6 बजे उठे थे, कैंपिंग किया था रात को, और नींद नहीं है बिल्कुल भी यार। एमएस हुआ था, ठंड लगी थी, अब कैंपिंग नहीं करनी यार, बस हो गया पूरा कैंपिंग। अभी सारा लगेज तो सेट कर लिया मैंने, और उन सब लोगों ने भी सेट कर लिया, बस अभी ना ये सेट कर रहा है। और अभी से इनका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, मेरा फुल ऑफ रोड वाला, इनका ऑन रोड वाला। तो अभी निकलता हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे को जल्दी से पहुँचना है ऑफ रोड वाले पेज से। तो गाइस सिरसिला पास वाले रास्ते से मैं जाने वाला हूँ। तो गाइस पेट्रोल पंप तो पहुँच चुका हूँ, पर यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कि 9 बजे से पहले नहीं मिलेगा, और अभी टाइम 7:30 हो गए यार। ले ले, ये क्या? ठीक है, थैंक यू। क्योंकि ना गूगल पे मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए से पूछना पड़ रहा है। मैंने तभी गूगल पे जांगला डाला, जांगला, क्योंकि ना जांगला होके ही जाना पड़ेगा शायद। ना 15 मिनट खराब हो गए यहाँ पर, और मैंने ट्रॉल जोड़ लिया। आई होप आपने ट्रॉल जो जो भी नहीं किया होगा। तो भाई सामने के माउंटेंस देखो ना, तमिल मूवीज में होता है वैसा ना, ये देखो सामने वाले पता है कैसे मिट्टी से क्या ही वाले नजर है ना। ले लिखो अंदर कैसे, अरे ठंड बहुत हो गई ना। ले ये रोड कितना दूर और मिलेगा हमें? 8-7 घंटा पहुंच गए। कैसे? 7 घंटे में पहुंच जाएगा। 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये ऑफ रोड है ना आगे? सो गाइस एक टी स्टॉल मिला मेरे को यहाँ पे। सबसे पहले पूछता हूँ कि ले रास्ता यही जाता है क्या, और कुछ नाश्ता करता हूँ यार। ले ले ये क्या, चाय वगैरह मिलेगी कुछ? सो गाइस मैगी तैयार हो चुकी है अपनी, और वाटर बॉटल में पानी थोड़ा सा गर्म लिया है। अभी मैगी खाने है और निकलना है यहाँ से। बाहर बहुत तगड़ी वाली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, तो अभी थोड़ा सा अंदर बैठा हुआ तो ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो अभी बस गर्मा गर्म मैगी खानी है। मैगी वैगी हो चुकी है, और रेन लाइनर भी मैंने डाला है, क्योंकि ना मौसम ख़राब हो चुका है, और थोड़ी थोड़ी ना बारिश की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ नहीं यार, अभी मौसम मस्त है, ठंडी बहुत तगड़ी वाली चल रही है, उस वजह से ना रेन लाइनर वो भी काम करेगा कि ना ठंडी से थोड़ा सा जो विंड है ना उसको भी रोकेगा यार। ये देखो वहाँ पे गाय वगैरह है, पता नहीं क्या है यार, मौसम मस्त है सच में यार, क्या ही नज़ारे यार, क्या ही नज़ारे। और यहाँ पे मैंने मैगी खाई, 40 रुपये की एक मैगी दी थी। कहाँ से आ रहे हो? We came from Linkshed. Linkshed. Where are you going? Padam, then Sinkula. Is the first time here? Yes. You will see on the rock indicator to left. Okay? Okay. And where are you from? Romania. Romania. Nice. Okay, best of luck. Bye.
इधर का पूरे माउंटेन ब्राउन है और ऊपर बारिश हो रही है, ऊपर क्या नीचे भी बारिश हो रही है यार, पूरा मैं गीला हो चुका हूँ। अभी क्या ही कह सकते हैं यार, बारिश में चलाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, मैंने कहा कुछ मेरे गोपरे को बैटरी डाउन हो गई तो बैटरी चार्ज लगाई मैंने और सोचा वाटर प्रूफ बना लूँ, तो अभी नहीं बनाना, आगे जाके देखेंगे वाटर प्रूफ बनाएंगे। ले 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 यार, सुन नहीं रहे। अभी देखो यार पानी कैसा आ रहा है ना, रोड की कंडीशन जैसे है यार, एकदम बढ़िया वाली, एकदम जक्कास वाली, पेट का ना पानी भी नहीं लगा, ऐसे रोड है। और अपनी 390 ID भी आपको पता है ऐसे रोड की माहिर है। सच में यार ये बारिश है ना परेशान कर रही है मेरे को। अभी सामने कुछ लोग हो रहे हैं तो उनसे पूछते हैं कि ले उमलिंगला होते हुए यही रास्ता है क्या। यार मस्त वाले रिवर का जो पानी का फ्लो है ना बहुत ही तगड़ा वाला यार। ले किधर है ले, कितना दूर है ले यहाँ से? 200, ऐसा रोड है 200 किलोमीटर तक। अच्छा नाले पे दो रास्ता, को नीचे वाला रास्ता जाना है ना। ओके, इस नदी को छोड़ना नहीं है, भाई ने बोला कि ऊपर दो रास्ते जाएंगे। किल्लर किस्तवाड़ा वाली जो रोड है ना वो ही सेम ही रोड है, ऐसी रोड है वो। माउंटेन देखो इधर के, मस्त वाला नज़ारा है ना। सच में यार क्या ही नज़ारे हैं यार, आप इंजॉय करते रहो इन नज़ारों का। और कैसे पहाड़ों को काट के बनाया है, और ना ये वाला रास्ता गूगल बाबा के पहुँच से वापस से पार हो चुका है यार। गूगल बाबा तो कह रहा है कि इधर कोई रास्ता ही नहीं है और रास्ता मेरे सामने है। यार क्या ही नज़र है ना, सच में मेरे को लग रहा है ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा या फिर ऐसे जाना पड़ेगा, ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा यार। सच में वो माउंटेंस देखो सामने वाले, अभी से रोड स्टार्ट है, बस थोड़ी देर ही ऑफ रोड है, बाकी चढ़ाई भाई पूछो मत, बहुत तगड़ी वाली चढ़ाई है। अपनी 390 ADV सेकेंड गियर में भी हालत ख़राब हो रही है 390 ADV की, और हाइट बहुत ज़्यादा है यार, सच में कह रहा हूँ बहुत तगड़ा वाला हाइट है। अरे भाई ये टॉप कितना ऊपर है यार, समझ नहीं आ रहा। अरे यार चढ़े ही जा रहे हैं, बस पता नहीं कितना और ऊपर चढ़ना, और वहाँ से नीचे से आ रहा हूँ मैं, और कितना ऊपर चढ़ सकूँ मैं ना। अभी कितनी हाइट है इसकी वो भी मेरे को पता नहीं, अभी तो और चढ़ाई है यार। देखो कैसा है ना मेरे 390 ADV की हालत हो रही है ख़राब। ये देखो कितने ऊपर से स्लोप है ना, बस सुखर ये है कि रोड है बस यहाँ पर। और भाई मेरे को लग रहा है एकदम टॉप पे जाना होगा ना, वो जो माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं उन पे। यार सच में यह बारिश बहुत परेशान कर रही है आज तो। नेटवर्क भी आ रहा है भाई इधर, ये चीज़ अच्छी है यार नेटवर्क आ रहा जियो का। फाइनली मैं रोड पर आ चुका हूँ, ऑफ रोड मेरी खत्म हो चुकी है, व्यूज बहुत मस्त वाले थे, तो मैंने कहा क्यों ना यार एक बार ना यहाँ पर ड्रोन शॉट तो बनता है। तो सबसे पहले आप एंजॉय करो ड्रोन शॉट के व्यू को। अभी उसी रास्ते पे हूँ। अभी ये कौन सा पास था यार मेरे को पता नहीं, नाम ही नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कुछ। अभी पूरा का पूरा नीचे उतरना है, शायद कोई बंदा आ रहा है या जा रहा है। ले इधर ये क्या, ये कौन सा टॉप है? चुचुकुरला। आगे कौन सा टॉप आएगा? चिंगला। कौन सा वाला है? अच्छा वो जो टॉप दिख रहा है वो वाला। अच्छा ठीक है, हाँ पता उनसे। हाँ भाई चिंगला आगे, अभी अपने को नीचे जाना है और बारिश बहुत तगड़ी वाली हो रही है यार। सच में पूरे हैंड ग्लव्स भी गीले हो चुके मेरे। फाइनली मैं नीचे उतर चुका हूँ टॉप से, और इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी ऊपर, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि एक मिनट भी नहीं रुका जा रहा था यार सच में। और टॉप पे ना मैं रुका, वीडियोस ऐसा ना व्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि ना मेरा जो कैमरा था ना वो इस टैंक बैग में था, इसमें ना मैंने वो लगा रखा था ये वाला रेन कवर, तो उस वजह से ना मैं निकाल ही नहीं पाया यार, और रुकने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहाँ पर। ठंड इतनी थी की हालत खराब हो रही थी। अभी देखो रोड की कंडीशन देखो कैसी है ना, और ये माउंटेन्स ही है अभी तक, माउंटेन्स के ऊपर देखो स्नो ही स्नो है, और वो देखो बारिश हो रही है, सब क्लाउड लग रहे हैं ना आपको। आज यार मौसम बहुत ही खराब था सच में यार, नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी इधर मोबाइल का, तो अभी निकलता फटाफट यहाँ से। मेरे को एकदम
जो हेलमेट का ग्लास है ना उसके सामने स्नो आ रही है यार, क्या ही करूँ मैं, कैसे राइड करूँ, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है। और चिंगुला पास पे ओल्डर मस्ट पहुँच ही सकूँ मैं, अभी मेरे को फटाफट नीचे उतरना पड़ेगा यार, क्योंकि ना यार ये स्नोफॉल पार नहीं पड़ने दे रही है और AMS भी बहुत तगड़ा वाला हो रहा है इधर। पहुँच चुके हैं चांगला पास पे और चांगला पास पे हो रही है तकड़ी वाली स्नोफॉल। मेरा ना यहाँ पे रुकने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और पूरे रोड पे स्नो ही स्नो है, बहुत ही मुश्किल से बाइक राइड हो रहा है यार। सच में ऐसा लग रहा है कि ना बहुत गलती कर दी यार, सच में यार मेरे को बहुत ही डर लग रहा है, क्या ही कह सकता हूँ यार मैं अभी। मेरे को ये एडवेंचर का शौक था ना, और हेडेक भी हो रहा है मेरा, एक्यूट मौसम सिकनेस। अभी बस नीचे उतरना है और हेलमेट के ग्लास के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा यार, सच में यार इट्स टू टफ। अरे यार अभी तो नीचे गिरती बाइक, अरे 390 थोड़ी सी शान रख लेना, गिरना मत बस। ओ भाई जाने दे, अरे जाने दे जाने दे जाने दे, स्लो स्लो 22 की स्पीड से बाइक की स्पीड मेंटेन हो रही है जो कि फर्स्ट गियर में यार। अभी भी यार क्या है यार, नीचे उतर दे बस, ये क्या है। यार सच में बहुत तगड़ी वाली स्नोफॉल हो रही है और मेरी हालत हो रही है ख़राब, बाइक पे पेट्रोल इतना है कि 70 किलोमीटर और रन कर सकती है। अभी हेलमेट का ग्लास ऑफ किया है, अभी पता नहीं यार कितना और चलना होगा, 200 किलोमीटर और अभी तक ले पड़ा है, ले तक ऐसे ही रास्ता है। बस ये है ना स्नोफॉल ख़त्म हो जाए बस, और कोई इशूज़ नहीं है, कीचड़ वाले रास्ते पर फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चांगला पास पे, और यहाँ की है 16,590 फिट। अरे यार कुछ भी नहीं दिख रहा, इतने सारे स्टिकर लगा रखे यार, क्या यार कुछ भी नहीं दिख रहा, सच में कह रहा हूँ स्टिकर लगा दिए, इतने को स्टिकर लगाने होते क्या। हो भाई भाई हाल खराब हो गई यार सच में, अभी फटाफट नीचे निकलना है अपने को। हो स्टॉल नीचे क्यों गिर गया, यही इशारा भाई, ग्लास साफ करेंगे अभी, नॉन स्टॉप निकलना है यहाँ से।